राज्य स्तरीय पंक्ति प्रतियोगिता का आयोजन। राज्य स्तरीय पंक्ति प्रतियोगिता में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। धान के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। नवागढ़ में हर साल होगा राज्य स्तरीय पंक्ति महोत्सव की घोषणा। बेमित्रा जिले के नवागढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय गुरु घासीदास जयंती एवं पंथी प्रतियोगिता में शामिल होने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव, बेमित्रा विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वे 2 घंटे विलंब से पहुंचे। राज्य स्तरीय आयोजन नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे और नवागढ़ विधानसभा के सतनामी समाज के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु घासीदास के वचनों को याद किया और बताया कि राज्य सरकार गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, वहीं धान खरीदी पर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। धान के मुद्दे को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कि 1815 रुपये में आप धान खरीदो तो हमने धान खरीद के लिए बैनर तो लगा दिए, मगर किसानों के खातों में 2500 रुपये कुंटल के हिसाब से ही पैसा जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 5000 से 10000 के विशाल जनसभा को देखकर मुख्यमंत्री ने हर साल बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह का आयोजन नवागढ़ में करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि 3 दिनों तक चले इस राज्य स्तरीय पंथी प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 90 पंथी पार्टी ने हिस्सा लिया, जिसमें से प्रथम स्थान पाटन के पंथी पार्टी रहे, जिन्हें 1,51,000 नगद इनाम दिया गया। वह दूसरे स्थान पर बेमित्रा जिले के 4 भाटा के पंथी पार्टी रहे, 1,01,000 नगद इनाम दिया गया। तीसरे स्थान पर गुरूरल के पंथी दल रहे, जिन्हें 75,000 रुपये दिए गए। साथ ही सभी पंथी दल को 3100 रुपये सांत्वना पुरस्कार नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे के द्वारा दिया गया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को शासकीय कार्यक्रम बनाया, यह आप निरंतर हो। एक चीज देखने के लिए इस कार्यक्रम में कहीं भी छोटा से कार्यक्रम स्थानीय विधायक कुछ मांग रखता है, आपने एक भी मांग नहीं रखा यहाँ पे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रीगण हमारे अतिथि थे, इसलिए मैंने कुछ मांग नहीं रखा है। हमारी परंपरा है कि कोई मेहमान घर में आते हैं तो उनसे मांगते नहीं देते, लेकिन उन्होंने मांगे बहुत कुछ दे दिया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नवागढ़ में गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई गई और भाई गुरुदयाल बंजारे जी स्थानीय विधायक ने खूब मेहनत की, हजारों लोग यहाँ एकत्रित हुए और सतनाम के रास्ते पे चलने का सबने संकल्प लिया है। सबको बधाई, बाबा जी के रास्ते पे चलकर ही छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि लाई जा सकती है और हमारी सरकार भी उसी दिशा में लगातार लोगों की खुशहाली के लिए लगातार निर्णय ले रही है।